देख रहे हैं जेके न्यूज बाइट, मैं हूं मेजबान आपका सजाद चौधरी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत जनाब आमिर चौहान, जो कि सरहदी जिला मेंडर रहने वाले हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए, आपने ये फील्ड किस तरह चुनी कि गोजरी ही रैप बोलें या पहाड़ी, कोई भी लैंग्वेज हो इसमें रैप बोलें, बाकी कोई और फील्ड आप नहीं चुन सकते थे? इस सवाल का जवाब मैं हज़ार बार मीडिया को दे चुका हूँ कि मैंने ये क्यों किया। इवन अभी भी मैंने लाइफ में ये बात कही कि हमने बहुत सारी लैंग्वेज देखी हैं जो बहुत ऊपर अपलिफ्ट हैं और हर लैंग्वेज में वर्क हो रहा है, बट गोजरी और पहाड़ी में मॉडर्न लेवल का म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, हम सुनते हैं बैत, मैं उसको खुद अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे को खुद पसंद है बैत और वगैरह सब कुछ, फैसा मलूक जो भी आप गाने सुनते हो पुराने टाइप के, वो सारे चल रहे हैं, लेकिन रैप म्यूज़िक नहीं है इसमें। तो आई एम द वन जिसने गोजरी में रैप लाया और पहाड़ी में रैप लाया। इवन आज मैंने जो पहाड़ी रैप सुना है वो फर्स्ट मेरा पहाड़ी सॉन्ग है, वो जल्द जो रिलीज़ होने वाला है। तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे गुजर और पहाड़ी लोग हैं सब मिलके हमारी लैंग्वेज को ऊपर करें और म्यूज़िक के लेवल पे बहुत आगे लेके जाएं इस चीज़ को। तो ये मेरा एक सपना था और मैं देख रहा हूँ और आप सबका इसमें मुझे साथ चाहिए। लेकिन आपको ये किसने सलाह दी कि आप ये काम करें, और कोई आपको फील्ड नहीं है? मेरे को किसी ने सलाह नहीं दी है, ये सलाह मैंने खुद से खुद करी है। ठीक है, तो ये किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला कि आप इसमें करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरा खुद का था, अपना पर्सनल था कि ये मैंने ख्वाब देखा था जिसके अरूज के लिए हम चल रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और हम अपनी लैंग्वेज को इंशाल्लाह बहुत ऊपर लेके जाने वाले। आपने कितनी लैंग्वेज में ये रैप वगैरह, ये उसके बाद ये पहाड़ी होगी, गोजरी होगी, और भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कश्मीरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह और भी काम करेंगे जो जो लैंग्वेज। आप खुद लिखते हो? हाँ जी, मैं खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। बाकी अपने पास हमारी एक टीम है जो म्यूज़िक बनाते हैं, वीडियो वाले हैं, ये सारा एक पूरा प्रोसेस चलता है। मुझे आप ये बताइए, कुछ लोगों को डर भी होता है कि उनकी आवाज़ की, कोई इसमें डर वाला मसला नहीं है, जिसके पास कोई भी टैलेंट है वो आए, वो काम करें। और आप ये मत देखें कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा, आपको कोई बंदा आगे लेके जाएगा, मुंबई लेके जाएगा, आपको कहीं से कुछ चांस मिलेगा। देखो, चांस खुद ढूंढना पड़ता है, खुद लाना पड़ता है। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपना गाना गा के वहाँ पर रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके वन आप सुना सकते हो। आज का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बंदा आगे जा सकता है, किसी को कोई नहीं रोक सकता और जितने भी लोग हैं सब आगे जा सकते हैं। तो मैं तो सबको बोलूँगा, जितने भी लोग हैं यहाँ के हमारे, खासकर रजौरी और पुंछ के और डन्ना शास्तार के लोग, मैं सबको ये कहूँगा कि आप अपने अपनी फील्ड में आएँ, जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो क्रिकेट में जाएँ, कोई चीज़ें मत अपने सपनों को मत मारो कि हमारे पास पैसे नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं होता, वो सब कुछ हो जाता है एक वक्त में, बस आपके पास एक भूख, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, तो वो आप जब डरेंगे नहीं, आपके अंदर से एक डर निकल गया तो देन आपको कोई नहीं हरा सकता, आप जीत जाओगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आमिर साहब, आप देखते रहिए जेके न्यूज़।